जय भोलेनाथ दोस्तों, 2:48 PM आज मार्केट ऊपर 14,000 तो बंद नहीं करेगा, लेकिन आपको आज एक टेक्निक सिखा देता हूँ, वो बहुत आपके लाइफ में काम आएगी। अगर मार्केट 3-4 दिन से या 5 दिन से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है, तो कैसे पता करें कि कल से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा या कल से टर्न अराउंड, आज से टर्न अराउंड हुआ कि नहीं, कैसे पता करें? ध्यान दीजिएगा, आज का लो कितना है? 706। अगर लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP ये 706 है, अगर इससे 72-75 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड होता लास्ट, यानी कि 781 का ट्रेड होता है लास्ट ट्रेड, 70-75 पॉइंट अगर लास्ट ट्रेड होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3:30 बजे वाली, अभी LTP जैसे आपको क्या दिखा रहा है, LTP 761, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखना आपको फ्यूचर की, ये 706, अगर ये 75-70 पॉइंट से ऊपर की लास्ट ट्रेड होता है तो टर्न अराउंड हो गया। और बैंक निफ्टी के लिए भी ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, 661 का लो है, ये मोर देन 250 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड होना चाहिए। अगर आप देखो तो आज काफ़ी माइनस है, क्योंकि कल 328 की क्लोजिंग थी, लेकिन अगर इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस लो से 250 प्लस होता है, तो आप लोग इस भरोसे पे नेक्स्ट वीक का या आने वाले दिनों का कॉल ले सकते हो बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश दिखा रहा है, क्योंकि ये दिखा रहा है, चांसेस बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि 250 पॉइंट से ऊपर बंद करेगा, जो आज का लो है। जबकि हर दिन क्या रहा था, चारों दिन आप देखना, जो लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे उसके आसपास रहता था। वैसे ही निफ्टी में भी अगर आज 706 का लो है, लेकिन अगर ये 780 के ऊपर लास्ट ट्रेड करता है, तो आपको कल एक धमाकेदार तेजी मिलनी चाहिए एज पर दिस स्ट्रेटेजी। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।